focus of the day. हेलो स्पिरेंस, वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम देखेंगे भारत में जितनी भी फॉरेस्ट फायर हुई है 2024 में उनके क्या रीजन थे, कहां फॉरेस्ट फायर हुई है, फॉरेस्ट फायर के क्या इंपैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई इन न्यूज़? सो रिसेंटली फॉरेस्ट फायर जो है उनको देखा गया है जो कुनूर फॉरेस्ट के यहाँ रीजन है जो नीलगिरिस में आते हैं विच इज इन तमिलनाडु, यहाँ पर है। और इंडियन एयर फोर्स जो है इसने ऑनगोइंग फायर एफर्ट्स को ज्वाइन किया है और यहाँ पे जो है वो MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो है इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे मल्टीपल, जिसको बैम्बी बकेट ऑपरेशंस कहा जाता है, जिसमें बकेट के थ्रू ऊपर से पानी डाला जाता है, उनको यहाँ पे दिया गया है। अब क्या एक फॉरेस्ट फायर होती है? तो इसको बुश या वेजिटेशन या वाइल्ड फायर भी इसको कहा जाता है। एंड ये जो है ये अनकंट्रोल या नॉन प्रिस्क्राइब्ड कंबशन भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। बर्निंग ऑफ प्लांट्स जिसमें नेचुरल सेटिंग होती है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, बुशलैंड या टुंड्रा जो है, और ये नेचुरल फ्यूल का कंजम्पशन करता है और स्प्रेड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पर, क्या टोपोग्राफी है, क्या विंड है, विंड का डायरेक्शन क्या है। वाइल्ड फायर के तीन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इसको सस्टेन करने के लिए। सबसे पहला यहाँ चाहिए हमें फ्यूल, दूसरा चाहिए होता है ऑक्सीजन। फ्यूल का काम जो है वो ट्रीज कर सकते हैं, देन ऑक्सीजन, एंड देन वी नीड अ हीट सोर्स जो कि ऑलरेडी वी हैव सन एंड अदर ड्राई कंडीशंस इन इंडिया। इसमें तीन तरीके की फायर होती है। सबसे पहली जो फायर है उसमें आती है सरफेस फायर, अंडरग्राउंड फायर, और कैनोपी या क्राउन फायर भी इसको कहा जाता है, और आती है कंट्रोल या डेलिबरेट फायर। तो सरफेस फायर जो होती है ये फॉरेस्ट फायर होती है जिसमें फायर ग्राउंड पे स्प्रेड करती है, सरफेस लिटर को कंज्यूम करती हुई फॉरेस्ट फ्लोर को एनगल्फ कर लेती है जो स्प्रेडिंग फ्लेम्स होती है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ सब सरफेस फायर। देन वी हैव अंडरग्राउंड ज़ॉम्बी फायर, या इसको ज़ॉम्बी फायर भी कहा जाता है। ये लो इंटेंसिटी की फायर होती है जो ऑर्गेनिक मैटर जो सरफेस के नीचे उसको कंज्यूम करता है, एंड अंडरग्राउंड फायर ये चलती रहती है। मोस्ट ऑफ डेंस फॉरेस्ट में ऐसा इनको देखा जाता है, और थिक ज्यादातर डेंस फॉरेस्ट में जो थिक मेंटल होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो टॉप पे होता है मिनरल सॉइल के, तो ये उसको कंबस्ट करती जाती है। एंड ये जो है ये पूरे एंटायरली अंडरग्राउंड स्प्रेड करती है, कुछ मीटर्स बिलो द सरफेस ये बर्न करती रहती है। एक्सक्लूसिवली स्लो होती है, मोस्ट केसेस में बहुत हार्ड होता है इन्हें डिटेक्ट करना, क्योंकि ऐसी फायर्स कई महीनों तक या सालों तक इस टाइप से यहाँ पे चल सकती है। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस। नाउ नेक्स्ट जो इसके बाद फायर आती है दैट इज योर कैनोपी फायर। कैनोपी फायर जो है ये अपर जो कैनोपी होती है वहां से ये फैलती है, हाई विंड्स इसको फ्यूल करते हैं, ड्राई कंडीशंस इसको फ्यूल करते हैं, पर्टिकुलरली इंटेंस है और बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करने में। देन वी हैव डेलिबरेट या कंट्रोल फायर, ये प्रेस्क्राइब्ड बर्न्स इनको बोला जाता है, या इनको बुश फायर्स भी कहा जाता है। इनको इंटेंशनली फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज इनको लगाती हैं फ्यूल लोड्स को कम करने के लिए, या फिर जो अनकंट्रोल्ड वाइल्ड फायर है उसका रिस्क मिटिगेट करने के लिए, इकोसिस्टम हेल्थ प्रमोट करने के लिए। ये जो कंट्रोल बर्न्स होते हैं इनको केयरफुली प्लान किया जाता है और इनको एग्जीक्यूट किया जाता है स्पेसिफिक कंडीशन पे, ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। कुछ टाइप के फायर होते हैं जैसे हमने देखा ग्राउंड फायर, सरफेस फायर एंड द ग्राउंड फायर्स। तो नवंबर से जून का जो यहाँ पे महीना होता है ये जो है फॉरेस्ट फायर सीजन के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे देखा जाता है। 100,000 ऑफ छोटी बड़ी फायर्स यहाँ देखी रहती हैं हर साल। एंड यहाँ पर भी अप्रैल और मई का जो है ये वर्स्ट फायर मंथ होते हैं पूरी अक्रॉस द कंट्री। बाइनियल इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो 2019 में रिकॉर्ड की गई थी, 36% से ज्यादा का जो भारत का फॉरेस्ट कवर था ये फ्रीक्वेंट फायर से प्रोन था। एंड अराउंड 4% जो फॉरेस्ट कवर यहाँ पे देखा गया था ये जो है ये एक्सट्रीमली प्रोन था फायर के, एंड 6% वेरी वेरी हाई फायर प्रोन था एरिया। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो फ्री रीजन्स है अकॉर्डिंग टू दिस FSI, सेवरल ऐसी जो फायर ब्रेक्स होती हैं ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखी जाती हैं, जबकि जो एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, कंपेरेटिवली लेस हैं यहाँ पे। जो फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट के, उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के, ये मोस्ट वनरेबल है। मार्च 2023 में यहाँ पे देखा जाएगा तो काफी ज्यादा यहाँ फायर्स देखी गई थी। ये जो लार्जेस्ट बुश फायर्स थी वो गोवा में, और इससे इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर हुई थी क्या वो मैनमेड थी। 2021 में भी सीरीज ऑफ फॉरेस्ट फायर यहाँ पे ब्रोक हुई थी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, बाकी जो बॉर्डर्स हैं जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात वाले इलाके हैं, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखा गया था। अगर फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट 2024 के हम देखेंगे तो पास्ट के इस ईयर में यहाँ पर लगभग मिजोरम में 3,738 फायर्स थी, मणिपुर में अराउंड 1,702 फायर्स देखी गई थी, आसाम में 1,652 फायर्स देखे गए थे, मेघालय में अराउंड 1,200, महाराष्ट्र में अराउंड 1,200। देन फॉरेस्ट फायर जो है ये
अर्ली मार्च में जनरली देखा जाता है, खासकर की जो कोंकण बेल्ट है महाराष्ट्र की, इस वाले रीजन में इसको देखा जाता है। एंड जो साउथ कोस्ट है गुजरात का, जहां गिर सोमनाथ वाले इलाके हैं, इन इलाकों में, पोरबंदर वाले इलाकों में, जो सदन राजस्थान वाला इलाका है यहां पर, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश वाले इलाकों में थोड़ी फॉरेस्ट फायर देखी जाती है। कोस्टल और इंटीरियर जो है उड़ीसा का, जो झारखंड के पास है, यहां पे फॉरेस्ट फायर ज्यादा देखी जाती है। तो ये रीजन से जहां पे ये चीजें मिलती हैं फॉरेस्ट फायर। साउथ इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो कुछ फॉरेस्ट एरिया ऐसे हैं जो जहां पर, जैसे आंध्र प्रदेश में है या फिर जो तेलंगाना वाला आता है एरिया, ये फायर प्रोन है। हाउएवर FSI की रिपोर्ट के हिसाब से फॉरेस्ट जो है साउथर्न इंडिया में कंपैरेटिवली लेस है वर्नेबल टू द फायर्स। द रीजन इज कि यहां पे जो वेजिटेशन टाइप है वो ज्यादातर है एवरग्रीन, और एवरग्रीन होने की वजह से, जमीन का गीला होने की वजह से, यहां पर जो है उतनी फॉरेस्ट फायर नहीं देखी जाती है। ये जो बीच वाले हमने जो इलाके देखे थे जहां पे ज्यादा फायर है, यहां आपको जनरली डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि तमिलनाडु में वाइल्ड फॉरेस्ट फायर जो है रिसेंट ईयर्स में वो बढ़ी है। अब इनका इंपैक्ट क्या हो सकता है? सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, फॉरेस्ट कवर खत्म हो जाते हैं, ट्री ग्रोथ खत्म हो जाती है, वेजिटेशन ओवरऑल फौना पे पूरा इफेक्ट पड़ता है इसका। सॉइल इरोजन यहाँ होता है, सॉइल इरोजन का जो टॉप फर्टाइल सॉइल होता है वो यहाँ चला जाता है। एयर पॉल्यूशन यहाँ पे होता है, सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ डिक्रीज हो जाती है, सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज हैं ये वहां बढ़ जाती हैं, और इंडियन फॉरेस्ट जो है वो और ज्यादा वो फायर को असिस्ट करने लगती है। वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पे डैमेज है, लॉस है हैबिटेट का वाइल्ड फौना के लिए, पोचिंग के लिए एडवर्स वेदर कंडीशंस होती हैं या फिर इनको प्रेडेटर स्पीशीज किल कर देती हैं। एयर पोल्यूशन है, ये हीट ट्रैपिंग गैसेस जैसे कि N2O है, इनको ये एनवायरनमेंट में रिलीज करती हैं। रीजनल ग्लोबल क्लाइमेट में क्लाइमेट चेंज होता है, जितना भी कार्बन स्टोर्ड है ट्रीज के अंदर इनको रिलीज कर देते हैं, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनके ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को इंक्रीज करता है। तो कैसे इंपैक्ट करते हैं, छोटे छोटे रोडेंट्स वगैरह जब अगर खत्म हो जाएंगे वहां पर, क्योंकि इनको स्पेस नहीं मिलता जाने के लिए, ये बरोस में चले जाते हैं और ऊपर हीट की वजह से ये मर जाते हैं वहां पे, तो इनके जो प्रीडेटर्स हैं वो वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नियर बाय कम्युनिटीज को यहाँ पे नुकसान होने लगता है। यहाँ दो टाइप की फायर होती है, हाई सेवेरिटी फायर और लो इंटेंसिटी फायर होती है। वाइल्ड फायर्स इनेविटेबल है, लेकिन ये जनरली नेचुरली ये क्लीन करता है नेचर अपने आप को। एक इनका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नया स्पेस मिलता है नई बायोडाइवर्सिटी को आने के लिए। ये दो दो फायर है जिसमें एक लो इंटेंसिटी होती है, एक हाई इंटेंसिटी होती है। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड फर्दर फ्रॉम हियर। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस ईयर, अगर हम देखेंगे तो कारण में सबसे पहला आता है क्लाइमेट चेंज। जितनी भी हाई एरिडिटी, अबव नॉर्मल डे टेम्परेचर देखा गया है, हीट शॉक्स देखे गए हैं, और ये साउथ इंडिया में भी यहाँ पे स्पाइक देखा गया है। साउथ इंडिया में फरवरी 2024 में हॉट ओवर देखा गया था, सदर्न इंडिया में पर्टिकुलरली, एंड साउथ इंडिया में हॉटेस्ट था 1901 के बाद से। जनवरी 5th वार्मेस्ट ईयर था सेंचुरी में, एंड हीट ओवरलोड यहाँ पे है। पिछले दो महीनों में मैक्सिमम मिनिमम हीट टेम्परेचर देखेंगे तो ये हमेशा अबव नॉर्मल रहा है। इससे जो हीट लोड है वो यहाँ जनरेट हो जाता है, एज अ रिजल्ट अर्ली अवेलेबिलिटी हो जाती है, ड्राई बायोमास रहता है, विंटर सीजन खत्म होती है ड्राई बायोमास तैयार रहता है, और जब समर सीजन आता है उस टाइम पे यहाँ फायर होने के चांसेस होते हैं। एक्सेस जो हीट, एक्सटर्नल हीट फैक्टर एक चीज होती है, विच इज द एक्सेस हीट फैक्टर। IMD ने वॉर्न किया है कि जो एक्सेस हीट फैक्टर होता है सिग्निफिकेंटली हायर है नॉर्मल से। आंध्र प्रदेश में, नेबरिंग कर्नाटका स्टेट में, ये जो है ये प्रिडिक्ट करता है चांसेस हीट वेव के उस रीजन में। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री टच करता है लास्ट वीक में, यूजुअली मिड मार्च में अगर देखा जाए तो। मिड एरिडिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर रेन की एब्सेंस होना, हाई टेम्परेचर्स का होना, IMD ने क्लासिफाई किया है कि ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो साउथ इंडिया की है ये मिड एरिडिटी कंडीशंस में है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। नाउ इनिशिएटिव्स ऐसे कौन से लिए गए हैं तो टैकल करने के लिए, सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। इस प्लान के अंदर फॉरेस्ट फायर को इंक्लूड किया गया है एक हैजार्ड की तरह। टाइम बाउंड स्पेसिफिक एक्शन प्लान होते हैं, क्लियर रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंटर स्टेट एजेंसी की और बाकी स्टेट होल्डर्स की। देन वी हैव फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। 2004 के बाद से ये जो है इसने फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम डेवलप किया FSI ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, मॉनिटर करने के लिए फॉरेस्ट फायर को रियल टाइम में। देन वी हैव नेशनल एक्शन प्लान ऑन द फॉरेस्ट फायर्स, ये 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, फॉरेस्ट फायर्स के इफेक्ट को मिनिमाइज कर लेना, इन्फॉर्म कर लेना, एनेबल करना, एम्पावर करना कम्युनिटीज को, ताकि वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ वर्क कर सके और इस पर कुछ काम किया जा सके। फॉरेस्ट फायर भारत में देखा जाए तो इनका इंपैक्ट जो है एडवर्स इंपैक्ट आता है फॉरेस्ट्री कवर वेजिटेशन पे। फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स जिसके बारे में बात कर चुके हैं, और इसका वन ऑफ द मेजर रीजन जो है वो है क्लाइमेट चेंज। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो एंड सेशन, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद इन लिस्ट आईएस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन।